हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग बेटा आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सलिया एजुकेशन में और बेटा आज हम कर रहे हैं हमारी थर्ड क्लास की मैथ्स का सिक्स चैप्टर फन विद गिव एंड टेक तो बेटा सबसे पहले जान लेते हैं गिव एंड टेक क्या होता है गिव मीन्स देना टेक मीन्स लेना देना लेना तो ये इससे रिलेटेड ये सवाल जो भी होंगे ये कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा इसको हम इस अपने चैप्टर में पढ़ेंगे तो यहाँ सबसे पहले क्या कह रहा है क्रिकेट मैच क्रिकेट का मैच हो रहा है उसकी कुछ बता रहा है ये इन्हीं क्रिकेट मैच श्रीलंका मेड टू थर्टी फाइव रन तो श्रीलंका ने कितने रन बनाए टू हंड्रेड थर्टी फाइव इंडिया मेड वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री और इंडिया ने बनाए कितने रन वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री रन हाउ मैनी मोर रन डज इंडिया नीड टू विन तो इंडिया को कितने और रन बनाने की आवश्यकता है अभी चल रही है उसकी पारी तो इसको कैसे पता करेंगे बेटा यहां हम 236 हंड्रेड थर्टी सिक्स में से वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री माइनस कर देंगे ये साइन हमारा माइनस का होता है सब ट्रेक्शन का घटा का ठीक है तो 236 में से 123 हम घटाएंगे देखो यहाँ पे लिख रखा है वंस टेंस हंड्रेड तो यहाँ पे वंस टेंस हंड्रेड ऐसे है और इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वंस टेंस एंड हंड्रेड क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे ही सिखाती हूँ तो तुम सोचोगे ये क्या लिखा हुआ है वंश का यहाँ पे वन लिखा हुआ है यहाँ पे टेंस का टेन और हंड्रेड का ये हंड्रेड है और हम इसको इसकी स्पेलिंग के हिसाब से भी लिख सकते हैं ओ से वंस टी से टेंस और एच से हंड्रेड ऐसे भी लिख लेंगे तो अब क्या करेंगे इसमें ये ध्यान हमें रखना है कि वंस प्लेस पे जैसे टू हंड्रेड थर्टी सिक्स में वंस प्लेस पे क्या है सिक्स है तो वंस प्लेस पे सिक्स ही आएगा टेंस पे क्या है थ्री तो ये थ्री क्या आ जाएगा हंड्रेड पे क्या है टू अब इसके नीचे फिर आगे क्या लिखना है 123 हंड्रेड यहाँ पे हमने लिख दिया 123 हंड्रेड यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है कि वंस वाला वंश के नीचे लिखा जाएगा टेंस वाला टेंस के नीचे लिखा जाएगा और जो हंड्रेड का है वो हंड्रेड प्लेस के नीचे लिखा जाएगा ठीक है बेटा अब हमें इसमें से घटा करना है सब करना है कैसे करेंगे देखो इसने करके दिखा रखा है ऊपर ये वाला लिख दिया हमने 200 के तो 200 हंड्रेड्रेड टू टाइम्स लिख रखे ना थे 200 हो गए और यहाँ पे टेंस कितनी है थ्री वन टू थ्री टाइम्स हो गई और भाई यहाँ पे वंस कितने हैं है ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हो गए अब हमें सिक्स वंस में से थ्री वंस घटाने हैं है ना तो क्या करेंगे वन टू थ्री ये हमने काटा लगा दिया कितने रिमेनिंग हो गए कितने बचे वन टू थ्री तो यहाँ वंस के नीचे हमने थ्री लिख दिया और बेटा ये इसमें ध्यान रखने की बात है कि जब भी हम एडिशन करते हैं या सब करते हैं तो हम हमेशा हमारे राइट right हैंड की साइड जो भी हमारे नंबर है वहां से हम स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ जो डिजिट है वहां से हम एडिशन भी और सब भी वहां से स्टार्ट करते हैं इसको करना सोल्व करना यहां से करना मत शुरू कर देना कि वंश की जगह से ये सब या एडिशन जो भी करना हो यहां से स्टार्ट करो नहीं हमें यहां पे प्लेस से स्टार्ट करना है ठीक है तो वंस में से वंश घटाएंगे थ्री बच गए इसी तरह पे हमारे पास टेंस कितनी है थ्री, और थ्री में से हमें टू माइनस करना है तो टू माइनस करना है टू इसने काट दिया यहाँ पे देखो एक टेंस बच गई ना तो यहां हमने एक ही लिख दिया वन टेंस ही है यहाँ पे इसी तरह ऊपर हंड्रेड कितने हैं टू और टू में से नीचे जो हमें घटाना है वो है वन तो वन टेंस यहाँ पे काट रखे हंड्रेड और एक हंड्रेड यहाँ पे हमारा बच गया तो हमारे पास इंडिया को कितने रन की नीड है वन वन हंड्रेड वन टेंस और वन सॉरी थ्री वन्स वन यानी कि वन हंड्रेड थर्टीन सब आ गई अगला देखते हैं एग्जाम्पल इसी तरह बेटा इसमें आगे है गीता है रूपीज थ्री हंड्रेड सिक्सटी एट इन हर पर्स पर्स गीता के पर्स में थ्री हंड्रेड सिक्सटी एट रूपीज है सी बोट ए बुक फॉर वन हंड्रेड ट्वेंटी ट्वेंट नाइन ये बुक इसने खरीद लिया वन ट्वेंट की ट्वेंटी थ्री तो उसके पर्स में कितने बचे कितने बचे बचे जब लेफ्ट है तो हमें सब ही करना है और कहीं टोटल आ जाए ना टोटल कितने हुए या भाई सम क्या हुआ तो वहां पे हमें एडिशन करनी होती है लेफ्ट जहाँ हो बचे लेफ्ट होगा वहां पे हमें हमेशा सब्ट्रैक्ट ही करना है ठीक है बेटा क्या बचे तो अब देखो यहाँ पे देखो ये इसने कर रखा है वन टेन्स हंड्रेड और इसमें से ये सब कर रखे हैं तो ये देखो पे एट है यहाँ पे वंस पे है ना ऊपर और इसमें से थ्री सब्ट्रैक्ट करना है बेटा इसके हिसाब से कर लो या फिर तुम अपनी उंगली के हिसाब से भी काउंटिंग करते हो ना वैसे ही कर सकते हो कैसे काउंट करेंगे हम देखो मेरी उंगली को देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यहाँ पे एट हो गया है ना अब हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है थ्री करना है तो इसमें यहीं से थ्री वापस काउंट करना शुरू कर दो वन टू थ्री अब जो हमने दोबारा से काउंट कर लिया है उसको भूल जाओ वो हमारे पास है ही नहीं अब बचे हुए को काउंट कर दो वन टू थ्री फोर फाइव कितने हुए फाइव फाइव रिमेनिंग है फाइव हमने यहाँ पे लिख दिया फाइव बचे हमारे ऐसे ही हमारा टेंस पे टेंस में कितना है ऊपर सिक्स और सिक्स में से टू हमें तो सब करने हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सिक्स काउंट करेंगे ठीक है तो देखो सिक्स काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हो गए सिक्स और इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना हमें टू तो देखो वन टू इसको भूल जाओ इसको हम दोबारा से नहीं फिर काउंट करेंगे अब बचे हुए जो हमारे पास हैं ये हमने काउंट करने वन टू थ्री फोर ठीक है ये समझो कि हमारे पास सिक्स चॉकलेट थी और सिक्स चॉकलेट में से टू चॉकलेट हमने अपने फ्रेंड्स को दे दी दो फ्रेंड्स थे उनको एक एक करके दे दी और बची हुई कह रहे हो कि मैं लाया हूं इसलिए मैं खाऊंगा इन बची हुई को अब बची कितनी है ये हमें देखना है वन टू थ्री फोर यहां पे लिख दी अब आगे क्या है हमारे पास यहाँ पे हंड्रेड प्लेस पे थ्री और इसमें से सब क्या करना है घटाना क्या है माइनस क्या करना है वन तो पहले थ्री काउंट करो वन टू थ्री और थ्री में इसे कितना माइनस करना है वन वन हम घटा देंगे इसको छोड़ दो नीचे के काउंट कर दो वन टू तो यहाँ हमारे पास टू बच गया अब तो यहाँ पे देखो बेटा क्या तुम्हारे पास आंसर क्या आया है टू हंड्रेड फोर्टी फाइव यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है फाइव टेंस प्लेस पे फोर यानी कि फोर टेंस हमारे पास और हंड्रेड हमारे पास कितने हैं टू आ गया समझ में बेटा आगे कह रहा है नबीलाज मदर सेंड हर टू द मार्केट टू बाय सम थिंग्स नबीला की मम्मी ने उसको मार्केट भेजा कुछ चीजें खरीदने के लिए सी गेव हर टू हंड्रेड फोर्टी फाइव रूपीज कितने रूपए दिए टू हंड्रेड फोर्टी फाइव नबीला बोट वन के जी घी फॉर वन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन और एक किलो घी लेके आई वो वन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन का कीपर गेव हर बैग नाइन्टी एट और सोप कीपर ने उसे नाइन्टी एट वापिस रुपए दे दिए डिड द सोप गिव हर द राइट अमाउंट की सोप कीपर ने दुकानदार ने उसको सही पे जितने बचने चाहिए थे उतने ही वापिस दिए या कम दिए क्या किया है तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, ठीक है तो देखो यहाँ पे इसने यहाँ कर रखा है ये टू हंड्रेड फोर्टी फाइव और 127. तो बेटा यहाँ पे हम सब्रेक्ट जब करके देखते हैं तो ये देखते हैं कि नीचे सेवन है और यहाँ पे ऊपर टेन सॉरी वंस हमारे पास है फाइव तो फाइव वंस में से सेवन वंस हम कैसे घटाएंगे घटा सकते हैं क्या नहीं घटा सकते तो क्या करें बेटा इससे अगले से उधार लेंगे है ना इसके पास टेंस है तो इससे एक ले लेंगे तो हमारे पास यहां देखो वन लगा दिया हमने तो हमारे पास टेन वंश आ गए हमारे पास क्योंकि इसने एक टेंस दिया है तो एक टेंस इक्वल टू टेन टेन वंश जोड़ते हैं तभी तो एक टेंस बनता है इसलिए हमारे पास टेन इधर आ गए टेन और फाइव पहले से था तो टोटल कितनी वंश हो गई देखो यहाँ पे करके दिखा रखी इसने टोटल हमारे पास कितनी वंश हो गई फिफ्टीन फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन फिफ्टीन हो गई अब हम फिफ्टीन में से सेवन घटा सकते हैं फिफ्टीन में से सेवन को काट देंगे और रिमेनिंग को यहाँ लिख देंगे या फिर अपनी उंगली पे काउंट करो फिफ्टीन पहले फिफ्टीन काउंट करते हैं हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन अब फिफ्टीन में से हमें सब्ट क्या करना है सेवन यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन अब जो हमने दोबारा काउंट करी है उनको तो हम भूल जाएंगे उनको हम दोबारा से काउंट बेटा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे हम आगे से स्टार्ट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कितनी वंश बचे हमारे पास एट वंस बच गई यहाँ पे हमने लिख दिया एट गया समझ में अब हमने देखो यहाँ पे पहले था बेटा फोर फोर था ना और फोर में से एक टेंस इधर इसने उधार ले ली थी हमसे तो इसकी घट गई ना एक इसलिए फोर में से वन माइनस किया तो यहाँ पे क्या बचा थ्री क्या बचा है थ्री अब थ्री में से हमें टू सब्ट्रैक्ट करना है थ्री में से टू जाएगा वन और टू में से वन जाएगा वन हमारा आंसर क्या आ गया वन हंड्रेड एटीन अब इस वन हंड्रेड एटीन में टेंस है? टेंस प्लेस पे क्या है है यहाँ पे ठीक है बेटा लेकिन बेटा उसने कितने वापिस करे हैं उससे देखो उसने तो नाइन्टी एट दिए हैं इट मींस उसने गलत दिए है ना उसने गलत उसने सोचा कि छोटी लड़की है इसको तो सब एडिशन आती नहीं होगी तो इसको कुछ भी दे देंगे है ना लेकिन उसने हिसाब लगाया है तो अब कितने रुपए उसने कम दिए हैं वो देखते हैं अपने तो उसने कितने रुपए वापस देने चाहिए थे? 118 और दिए कितने हैं? एट हाउ मच मोर मनी सुड सोप कीपर गिव नबीला नबीला से कितने देने चाहिए थे यहाँ हम देखते है बेटा वन में से नाइन्टी हम सब करेंगे ये वंश है बेटा ये हमारा टेंस है और ये हंड्रेड है अब हंड्रेड में नीचे वाले में जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वहां पे कुछ भी नहीं है ना तो हमने कुछ नहीं लिखा सिर्फ टेंस और वंश की जगह पे ही लिखा है अब एट यहाँ पे हमारी वंश है और एट में से एट ही सब करना है तेरे पास एट चॉकलेट है और एट ही अपने छोटे भाई को दे दी या छोटी बहन को दे दी तो तुम्हारे पास क्या बचा कोई चॉकलेट बची नहीं तो यहाँ पे हम लिखेंगे जीरो कुछ नहीं कुछ नहीं का मतलब जीरो और वन में से नाइन अब यहाँ पे ऊपर वन टेंस है नीचे नाइन टेन्स है तो बेटा वन में से नाइन सब्ट्रेक्ट हो जाएगा क्या नहीं क्या करें अगले से हंड्रेड उधार ले लेते हैं भाई हम तो यहां से ले लिया तो यहां कितने हो गए इलेवन इलेवन और इलेवन में से नाइन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने आएंगे देखो पहले इलेवन काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन यहाँ तक का इलेवन है बेटा और इलेवन में से नाइन सब्ट्रैक्ट करो अब नाइन काउंट करो जो हमने काउंट कर लिए हैं उन्हीं को दोबारा से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन यहां तक के गिन लिए उनको हमें उनका काम खत्म हो गया गिन ली उसका मतलब वापिस दे दिया हमने ये किसी को अब बचा क्या हमारे पास वन और ये टू तो यहाँ टू उसने कितने रुपए कम दिए उसको ट्वेंटी रुपीज कम दिए तो कितने रुपए कम दिए बेटा ट्वेंटी यहां हम लिख देंगे ट्वेंटी रूपीज आ गया समझ में अब बेटा आगे प्रैक्टिस टाइम यानी कि प्रैक्टिस करनी है तुम्हें बेबी टोटाइज इज थर्टी थ्री ईयर्स ओल्ड बेबी टोटाइज यहाँ पे ये बैठा है इसकी उम्र है थर्टी थ्री मम्मी टोट्राइज ये इसकी मम्मी है इसकी उम्र है वन फिफ्टी ईयर्स वन हंड्रेड फिफ्टी ईयर हाउ मच यंगर इज बेबी कि अपनी मम्मी से बेबी टोटॉइज कितना छोटा है सब ट्रैक्शन होगा यहाँ पे 150 में से 33 थ्री करना है उसी तरह से अब यहाँ पे जीरो हो गया जीरो में से थ्री सब होगा क्या नहीं होगा यहाँ से हमने एक टेन सुधार ले ली इससे यहाँ हो गए टेन टेन में से थ्री गए हाँ तो कितने बचे बेटा सेवन और यहां से हमने एक टेंस सुधार ले ली थी तो यहाँ एक कम हो गई इसलिए यहाँ बच गया फोर और फोर में से थ्री गया वन वन यहाँ पे हंड्रेड नीचे कुछ भी हंड्रेड है ही नहीं प्लेस पे तो इसका मतलब जीरो तो वन का वन ही रह जाएगा तो बेबी टोटॉइस कितना छोटा है अपनी मदर से वन हंड्रेड सेवनटीन ईयर ठीक है अब बेटा आगे क्या हमारे पास सम है ये तुम्हें खुद ही करने पड़ेंगे अरविंद हैज रीड सिक्सटी नाइन पेजेज ऑफ ए स्टोरी बुक अरविंद ने स्टोरी बुक के कितने पेज पढ़े हैं सिक्सटी नाइन गोरी हैज रीड नाइनटी फाइव पेजेज ऑफ दैट स्टोरी बुक उसी स्टोरी बुक के गोरी ने कितने पेज पढ़ लिए नाइन्टी फाइव हैज रीड मोर पेजेज किसने पढ़े हैं ज्यादा 95 ज्यादा या 69 95 ज्यादा हैं अब ये कह रहे हैं हाउ मैनी कितने ज्यादा तो ये सब करके देखेंगे ये वंस ये हंड्रेड सॉरी टेंस और यहाँ पे ऊपर बेटा हमेशा जब सबट्रैक्ट करते हैं हम तो जो बड़ी संख्या है बिग है वो हम ऊपर लिखेंगे स्मॉल हम नीचे लिखेंगे स्मॉल नंबर नीचे आएगा और बिग नंबर हमारा ऊपर आएगा तो यहाँ पे हम सब करेंगे देखो कैसे करेंगे अब के यहाँ पे यहां पे, पे नाइन है तो फाइव में से नाइन सब माइनस हो जाएगा, क्या? जाएगा बेटा नहीं होगा तो क्या करते हैं हम यहां से एक टेंस उधार लेते हैं यहां से तो ये हमारे पास क्या हो गया फिफ्टीन फिफ्टीन में से नाइन सब्ट करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास सिक्स अपनी उंगली पे काउंट कर लेना अगर वैसे समझ में नहीं आए तो और यहाँ पे टेंस कितनी है यहाँ पे नाइन है लेकिन बेटा नाइन में से एक हमने यहाँ पे टेंस ले ली थी उधार ली थी ना इससे तो यहाँ पे वन कम हो जाएगा इसमें नाइन में से वन जब हम माइनस करेंगे सब करेंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पे हमारे पास एट और एट में से जब हम सिक्स घटाएंगे सिक्स माइनस करेंगे तो क्या बचेगा एट में से सिक्स माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा टू तो हमारे पास आंसर क्या आ गया बेटा ट्वेंटी सिक्स गोरी ने ट्वेंटी सिक्स पेज ज्यादा पढ़े अरविंद की बजाय है। ठीक है ना ये, सम, सम ये एडिशन के और सब्रैक्शन की आपको खुद से सोल्व करने हैं और नीचे क्या दे रखा है चेक योर आंसर योर सेल्फ यहाँ पे अपने आंसर भी चेक कर लेने होंगे कि राइट है या रोंग है देखो यहाँ जैसे 236 हंड्रेड थर्टी सिक्स से हंड्रेड फोर्टीन हमने सब्ट्रेक्ट किया है तो आंसर हमारा आया है 122 अब हम ये देखें कि हमारा आंसर सही है या नहीं है तो क्या करेंगे जो हमारा आंसर आया है उसमें और जो संख्या हमने की किया जो नंबर हमने सब्ट किया है उन दोनों को जोड़ देंगे नीचे नीचे वालों को अगर उनकी एडिशन जिसमें से हमने सब्ट्रेक्ट किया है वो आ गई है तो हमारा आंसर सही है ये ऐसे ठीक है तो बेटा ये हमने यहाँ तक का आपने इस वीडियो में कर लिया है और आगे के जो भी सम है जो एक्सरसाइजेज हैं वो हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में ठीक है थैंक यू